Hello everyone, welcome to Roundtable Study. This video is the solution of exercise and this is exercise 10.1. So let's start. The first question, the center of circle lies in dash of the circle. ये बोल रहा है कि जो आपका सर्किल का सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में. तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपकी है सर्किल. अब इस सर्किल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, सर्किल के इंटीरियर में लाई करेगा. तो दैट इज़ ऑप्शन टू, ये हो जाएगा सही. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सर्किल. अब आप समझो, ये बोल रहा है कि क्या होगा, एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा. ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ द सर्किल से इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इट्स रेडियस. अब आप समझो, मैंने कहा मेरे पास एक है सर्किल और इस सर्किल का ये है सेंटर और मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट की जो लेंथ है सर्किल के सेंटर से वो रेडियस से भी बड़ी है. तो भाई रेडियस तो यहाँ तक आ गई. अब मान लो बड़ी है मतलब पॉइंट हमारा क्या है, कहीं बाहर है तो यहाँ तक होगा. तो यानी कि जो पॉइंट है वो कहाँ है, आउटसाइड द सर्किल, दैट इज़ एक्सटीरियर. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज़ अ डैश ऑफ द सर्किल. सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं. जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से होकर के जाती है, तो भाई ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर के जाए तो ऐसी कॉर्ड को क्या कहते हैं, डायमीटर, दैट इज़ डायमीटर. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा डायमीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्क इज़ अ डैश व्हेन इट एंड एट द एंड ऑफ द डायमीटर. अब आप समझो, कह रहा है कि एक आर्क जो है ना, आर्क जो है इज़ अ डैश क्या होगी. अब बात समझो, अब ये जो आर्क है व्हेन इट एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर. तो मान लो आपने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसकी आर्क यहाँ पर एंड हो गई. और कहाँ एंड हो रही, जहाँ पर एंड हो रही वहाँ पर क्या है, डायमीटर है. तो बात समझो सर, ये आपका ये कैसा शेप है, कौन सा फिगर है, ये फिगर है सेमी सर्किल का सर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आर्क इज़ अ सेमी सर्किल, सॉरी क्या होगा, सेमी सर्किल. हरी बात समझे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज़ द रीज़न बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल. आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो जो सेगमेंट बनते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं, तो वो मिलकर के बनते हैं आर्क एंड कॉर्ड से, है ना, याद आया, आर्क एंड कॉर्ड. तो अगर आर्क एंड कॉर्ड है तो क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा, सिंपल सी बात. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कॉर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट. तो थ्री पार्ट्स में हम सर्किल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंपल सी ऑब्वियस बात, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके सर, यहाँ रहा, चलिए समझते हैं इसको क्या है. ये कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स. तो आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, सही का निशान गलत का निशान बताना है या लगाना है, और इसके पीछे इसका रीज़न भी देना है कि सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल, इज इट ट्रू और फॉल्स. अब ऐसी बात है सर, ट्रू. वाई, अब आप समझो, कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल. ये मान लो कि आपके पास एक ये सर्किल है, ठीक है, और सेंटर से क्या कर रहा है कि हम एक लाइन अगर ज्वाइन करें, है ना, सर्किल पर कहीं भी, तो ये जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारी की सारी हमारी क्या है, इज़ अ रेडियस ऑफ सर्किल. ये सारी की सारी क्या है, रेडियस ही तो है. तो इसका रीज़न क्या होगा, ध्यान सुनना सर, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर एट इक्वल डिस्टेंस, है कि नहीं, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर एट इक्वल डिस्टेंस, जो कि हम पहले सर्किल के डेफिनेशन में लिखा चुके हैं, है ना, आर एट इक्वल डिस्टेंस टू फ्रॉम द सेंटर. ये सेंटर से क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, रेडियस ही तो कहेंगे. और ऐसी बात है, यानी कि हमारा क्या ट्रू है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. ऐसा नहीं है, फॉल्स है. वाई, फॉल्स है, बिकॉज
हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्किल पर। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो क्या हम इनफाइनाइट कॉर्ड हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो देखो हमने ये क्या किया, दो कॉर्ड तो हमारे ऐसे ही ड्रॉ हो गए, एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ हो गया, एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ हो गया, तो हम इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज 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 क्या कह सकते हैं हम कि बिकॉज सर्किल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ओके क्लियर है, बिकॉज सर्किल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, सर्किल हैव इनफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ अ सर्किल इज डिवाइड इंटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क, क्या ये सही है? सर ये भी फॉल्स है, कह रहा है कि ईच इज़ अ मेजर आर्क। अब बात समझो, अब अगर मान लो आप एक सर्किल बनाओ, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, रीज़न में आपको लिखने के लिए ये फिगर बनाना ज़रूरी है। तो आपने तीन आर्क्स ले लिए और ये दोनों, ये जो तीनों आर्क हैं वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब ये सपोज कर लीजिए सर कि आप ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आप कह रहे हो कि ए बी इज़ इक्वल टू है बी सी इज़ इक्वल टू है सी ए। तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों आर्क हैं वो आपस में मेज़र आर्क हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ए बी आप कंपेरिजन करो और फिर मैं बोल रहा हूँ आर्क बी सी ए, ये वाला आर्क, तो ये मेज़र ही तो है, ये मेज़र है ना, ए बी कहाँ मेज़र है, बी सी कहाँ मेज़र है, सी ए कहाँ मेज़र है, इससे बड़ा भी ये तो आर्क है क्या, बी ए। सो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अरे बस में तो ये आपको फिगर बना करके बस ये लिख देना है, ये आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, इसका हो जाएगा रीज़न। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्किल, ट्रू वाई? अब बात समझो, ये कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्किल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। अच्छा एक सर्किल है और एक सर्किल का कोई है कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड है वो रेडियस के जस्ट इक्वल है। अब हम इस कॉर्ड को क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं, तो क्या ये सर्किल का डायमीटर बन जाएगा? तो भाई अगर ये कॉर्ड जो है वो सर्किल का रेडियस है, रेडियस के इक्वल है, तो भाई रेडियस का इक्वल ही क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये क्या होगा, सही होगा, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर ऑफ रीज़न बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, क्या कह रहा है कि सेक्टर इज़ द रीज़न बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका रीज़न क्या है, सेक्टर इज़ द रीज़न बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई, याद आया, याद आया सेक्टर वाले का डेफिनेशन क्या होता था, ठीक है। तो हम उसमें क्या लेते हैं, हम उसमें आर्क लेते हैं और टू रेडियाई की बात करते हैं, ठीक है। सेक्टर कैसे बनता है, आर्क से एंड टू रेडियाई से मिलकर के बनता है, तो इसका रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्किल इज़ अ प्लेन फिगर, सिंपल सी बात है, ये हमारा ऑप्शन ट्रू है, बिकॉज सर्किल हमारा क्या होता है, टू डायमेंशनल फिगर होता है। तो अगर सर्किल, इफ अ सर्किल इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर, देन ऑब्वियस सी बात है इट इज़ अ प्लेन फिगर। ओके चलिए सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बोल रहा है, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सब टेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये है कुछ नहीं डेरिवेशन, हम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो करा था, ठीक है, ये उसी का थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप है। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, हमने पिछले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास एक सर्किल है तो एक सर्किल में अगर हम दो इक्वल अगर हम क्या कर लें, एक कॉर्ड अगर ड्रा कर लें, ड्रॉ कर लें, तो इन दोनों कॉ ये जो दोनों कॉर्ड्स होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, हमने ये तो सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ टू सर्किल्स, बस है फंडा वही,
यहाँ पर हमने एक सर्किल की बजाय दो सर्किल ले लेनी है। ओके सर, तो हमें काम वही करना है, बस अब यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमें एक सर्किल के बजाय दो सर्किल ले लेनी है ना। तो हमारे पास है टू सर्किल्स, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है टू सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। मान लिया कि हमारे पास एक ही सेंटर ओ है और दूसरे की सेंटर ओ डैश है विद सेम रेडियस, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। देखो होता है क्या सर ना, कि थ्योरम वाले क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी गिवन है, बस इसलिए हमने यह लिख दिया गिवन। ओके नाउ अब मान लेते हैं सर कि हमारे जो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, लेट कॉर्ड्स हमारे जो हैं वो क्या है, एम एन है और क्या है, पी क्यू है। कॉर्ड्स हमारे क्या है, एम एन है और पी क्यू है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एम एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये तो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ओके तो कैसे किया जाए सर, देखते हैं। देखिए सेम वही काम फिर से करना है क्या, अगर हम अपने ट्राइंगल को क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये आपस में कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इनके साइड्स को इक्वल दिखा दें कैसे, देखिए। ओके सर यहाँ पे समझो, मेरे पास है दो सर्किल, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, ठीक है, और ये इसका यहाँ सेंटर है और एक का यहाँ सेंटर है, ठीक है। माने सर हमने ये दो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक, और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और एक कॉर्ड हमारा क्या है, एक कॉर्ड बेसिकली हमारा एम एन है और एक कॉर्ड हमारा पी क्यू है, वो थोड़ा ऊपर छुप के इस वजह से ये दूसरा बना रहे हैं, है ना, समझो आप समझो, ठीक है, आपको समझना है। तो मैंने कहा ये ओ है और ये ओ डैश है, ये ओ डैश है, थोड़ा सा ऐसे डैश लगा दो ऊपर। तो देखो इनमें क्या क्या है, इनमें एम एन और पी क्यू, एम एन और पी क्यू ये दोनों क्या है, गिवन है, ये पी क्यू, ये एम एन, ये गिवन है, तो ये हमने इसको गिवन कर लिया। अच्छा ओ एम इज़ इक्वल टू ओ पी, ओ एम, ये ओ एम इज़ इक्वल टू ओ पी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और ये कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में ये रेडियस हैं, तो रेडियस हैं तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओ एन और ओ डैश क्यू ये भी आपस में कैसी हैं, रेडियस हैं, ठीक है। अच्छा तो बाई एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुवेंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुवेंसी से क्या हो गया, ट्राइंगल ये हमारा जो एम ओ एन था, एम ओ एन, और ये ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू, ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सो बाई सी पी सी टी, अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उस ट्राइंगल की वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, सो हेंस प्रूफ्ड। आ रही है सर बात समझ में, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए सर तो इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये जस्ट इसका जस्ट इन्वर्स है, ठीक है, इसका जस्ट वो कन्वर्स थ्योरम है, सॉरी कन्वर्स थ्योरम है। तो अगर आप ट्राई करो, नहीं आता है आप कमेंट करके बताओ कि सर नहीं आ पा रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर दिए, मैं श्योर एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले आप उसको लगाओ। ओके